जय हिंद प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में प्यारे साथियों वेरी वेरी मोस्ट आई पी सेशन होने वाला है सभी साथी आ जाए और सेशन के साथ जुड़ जाए प्यारे साथियों वेरी वेरी मोस्ट आई पी सेशन होने वाला है पूरे फिफ्टी क्वेश्चन का गर्दा इस सेशन के साथ हम लोग उड़ाने वाले हैं प्यारे साथियों इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा दो हजार तेईस अप्रैल से आपके पेपर चालू हो रहे हैं सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान गणित तो और रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण पचास क्वेश्चन इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं सभी साथियों तक लिंक को शेयर कर दें अधिक से अधिक साथियों को इस क्लास के साथ जोड़ लें वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी एस सेशन होने वाला है आ जाए सभी साथी जुड़ जाए और हर एक क्वेश्चन का गर्दा उड़ाने के लिए तैयार हो जाए सत्रह अप्रैल की तैयारी हम लोग जोरों से कर रहे हैं प्यारे साथियों टारगेट पैतालीस प्लस आप लोगों का चल रहा है सभी लोग जुड़ जाए मिशन वर्दी करण ऋषि जी लोधी भवानी जी लोधी बिल्कुल स्वागत है सभी साथियों का इस सेशन में आज का पहला प्रश्न तूफानी तरीके से सभी लोग उड़ा दें विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं सही जवाब कमेंट करना है विटामिन की खोज बताइएगा पहला ऑप्शन दिया है लूनिन ने फंक ने सुमनर में और सेंगर में तो प्यारे साथियों विटामिन की खोज किसने की सही जवाब कमेंट कर देना है राइट आंसर छाप लेना एग्जाम में आएगा ऑप्शन नंबर बी फंक ने याद रखिएगा फंक नामक वैज्ञानिक ने याद रखना 1912 ईस्वी में याद रखना विटामिन शब्द की खोज की जो विटामिन आप पढ़ते हैं वेरी वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है छाप लेना एग्जाम के अंदर गर्दा उड़ाएगा क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिए मानव शरीर को तेरह प्रकार के विटामिन की जरूरत होती है ये बात भी भूलना नहीं है आगे बढ़ जाओ अगला अगला क्वेश्चन छापो कमेंट के अंदर पित्त का मुख्य कार्य क्या है जो पित्त होता है उसका मुख्य कार्य आपको बताना है सही जवाब कमेंट करना है सभी साथी सेशन को शेयर कर दें तूफानी तरीके से जुड़ जाए सभी प्यारे साथी और पहला ऑप्शन दिया वसा का एंजाइम द्वारा पाचन उत्सर्जी पदार्थों का निवारण प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना तो प्यारे साथियों पित्त का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा इसका जो सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना ये पित्त का मुख्य कार्य है छाप लेना अति महत्वपूर्ण जानकारी हो जाएगी आगे आपको समझना है जो पित्त होता है भोजन को शारी बनाता है जो हम भोजन करते हैं उसको शारी कौन बनाता है तो याद रखिएगा पित्त इसका सही जवाब लगा के आना है जिन भी साथियों का डी वाला आंसर आया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आगे अति महत्वपूर्ण जानकारी आपको छाप के रखना है जो पित्त रस होता है उसमें जल लवण सोडियम ग्लाइकोलेट सोडियम टेकोलेट सोडियम कार्बोनेट इत्यादि ये सब पाया जाता है पित्त में इतनी जानकारी छाप लो अति महत्वपूर्ण हो जाएगी अगला क्वेश्चन बताओ फिर से वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है अच्छा आपने सुना होगा इनेमल नहीं सुना है तो समझ लो जो इनेमल होता है हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल दांत का जो इनेमल होता है याद रखना हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है और बताओ इसे कठोर कौन बनाता है चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन दिया है कैल्शियम ऑप्शन नंबर बी फ्लोरिन ऑप्शन नंबर सी आयोडीन ऑप्शन नंबर डी सोडियम तो छाप लेना बी इसका पर आ रही है थोड़ा सा नेटवर्क इशू था निकल गया है बताइएगा सभी साथी कमेंट करिएगा क्या क्लास चल पा रही है सभी को प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है अगर आप लोगों तक वॉइस प्रॉपर तरीके से पहुंच पा रही है तो सभी साथी कमेंट करें जल्दी से और हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं परेशानियां प्यारे साथियों नहीं चल रही है जल्दी से एक बार सभी साथी थम्सअप करें क्या क्लास आपके सामने चल रही हैं आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर फ्रेश तरीके से क्लास चल रही हैं तो हम क्लास को शुरुआत करते हैं बहुत बढ़िया है। एक बार सभी साथी थम्सअप करें परेशानियां जीवन का एक हिस्सा होती है इनसे डरकर कभी इंसान को भागना नहीं चाहिए आ जाइएगा सभी लोग दोबारा से और उसके बाद तहलका मचा दीजिएगा इस सेशन के अंदर पेप्सिन होता है पेप्सिन क्या होता है चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा हार्मोन होता है पेप्सिन या एंजाइम होता है या विटामिन होता है या पोषक तत्व होता है सही जवाब कमेंट करिए प्यारे साथियों पेप्सिन क्या होता है तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा बी वाला सही जवाब हो जाएगा एंजाइम एग्जाम में पूछ ले पेप्सिन क्या होता है तो एंजाइम बताइएगा वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी हो जाएगी आगे आपको समझिएगा कि आपको ऑप्शन में हारमोन भी दिया है तो हारमोन क्या काम करते हैं हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से स्त्रावित होते हैं एवं बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होते हैं प्यारे साथियों हार्मोन विटामिन याद रखना विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर के बीमारियों से रक्षा करते हैं शरीर की बीमारियों से रक्षा किसके द्वारा की जाती हैं तो छाप लो विटामिन के द्वारा की जाती है अगला क्वेश्चन छापो जल्दी से दांत का जो शिखर होता है वो किसका बना होता है चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं पहला ऑप्शन उपास्थी का ऑप्शन नंबर बी इनेमल का ऑप्शन नंबर सी डेंटिन का ऑप्शन नंबर काइटिन का बताइएगा दांत का जो शिखर होता है वो किसका बना होता है चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं <coughs> सॉरी यहां पर अगर बात करें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा जो दांत का शिकर होता है वो याद रखना डेंटिन का बना होता है डेंटिन छाप लो दांत का शिकर आगे उपास्थि उपास्थि याद रखना ये मुलायम एवं लचीला होता है जो उपास्थि होता है नाक एवं कान के निर्माण में सहायक होता है उपास्थि उपास्थि छाप लेना अच्छा याद रखना काइटिन जो काइटिन ऑप्शन में दिया इससे याद रखिएगा कीटों के बाहरी आवरण का निर्माण काइटिन के द्वारा होता है कीटों के बाहरी आवरण का तो ये जानकारी भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है अगला आप बताइएगा मेंढक में दांत होते हैं चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं पहला ऑप्शन है होमोडोंट ऑप्शन नंबर बी थोकोडोंट ऑप्शन नंबर सी हैटिरोडोंट ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं प्यारे साथियों जो मेंढक में दांत होते हैं वो क्या होते हैं तो सही जवाब छाप के रखना है होमोडोंट जो मेंढक के दांत कहलाते होमोडोंट है, होते हैं याद रखना छिपकली और मेंढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं छाप लो जानकारी अति महत्वपूर्ण है एग्जाम के बाद ये याद आएगा सब कुछ आपको इसलिए इसे होमोडोंट कहते हैं छपकी छिपकली और मेंढक के दांत याद रखना एक समान होते हैं आगे बात करते हैं अगली जानकारी की आगे यदि बात करें अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर अगला है विटामिन बी बारह में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं विटामिन बी बारह में बताइएगा कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है आयरन जिंक निकेल कोबाल्ट चार ऑप्शन में से बताओ विटामिन बी बारह में क्या उपस्थित रहता है तो छाप लो कोबाल्ट विटामिन बी बारह में याद रखना जो धातु हो पाई जाती है कोबाल्ट पाई जाती है अति महत्वपूर्ण तो जानकारी छाप लेना कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन बी बारह का महत्वपूर्ण घटक है कोबाल्ट अच्छा एग्जाम में पूछ ले अगर कि विटामिन बी बारह का रासायनिक नाम बताओ तो आपको बताना है साइनो कोबालेमिन साइनो कोबालेमिन विटामिन बी बारह का रासायनिक नाम हो जाएगा इतनी जानकारी छाप लो अगला क्वेश्चन स्टार लगा कर पढ़ो जैव विविधता को किस रूप में भी जाना जाता है चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं जो जैव विविधता होती है उसको किस रूप में भी जाना जाता है पहला ऑप्शन वास स्थानीय विविधता के बीच वास स्थली विविधता के भीतर सी वाला वैश्विक विविधता ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिकी तंत्र विविधता तो मैं आपको बता दूं यहां पर याद रखिएगा जो जैव विविधता है उसको याद रखना वास स्थानीय विविधता के बीच में भी जाना जाता है ऑप्शन नंबर बीस का सही जवाब हो जाएगा जैव विविधता जीवों के बीच में जो विविधता पाई जाती है उसे जैव विविधता कहते हैं समझो किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं ये जानकारी भी छाप लेना आगे बढ़ते हैं अगला अगला क्वेश्चन तो लाजवाब क्वेश्चन है एग्जाम में फंसेगा लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है जो लिफ्ट होती हैं उसमें तो आप सभी लोग बैठे होंगे ठीक है तो याद रखिएगा लिफ्ट में मनुष्य का वजन प्रत्यक्ष वजन यानी वास्तविक वजन से कब कम रहता है जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो वजन कम होता है या अधिक नीचे आती है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है सही जवाब सभी प्यारे साथी जल्दी से कमेंट करेंगे वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट करिएगा तो याद रखिएगा लिफ्ट याद रखना जब तेजी से नीचे जा रही हो तब क्या होता है वज़न हमें कम लगता है हमारा वज़न हमें कम लगता है बी वाला सही जवाब छापो बी वाला राइट आंसर होगा याद रखना लिफ्ट जब तेजी से नीचे जाती है नीचे की ओर तो याद रखना जो वास्तविक वज़न से कम वजन लगता है हमें जब लिफ्ट नीचे की ओर तेजी से जाती है बी वाला सही जवाब होगा बी वाला प्यारे साथियों आगे अति महत्वपूर्ण जानकारी समझ लो लिफ्ट की पूरी कहानी समझो लिफ्ट द्वारा त्वरित गति से ऊपर की ओर जाने पर व्यक्ति को अपने भार के बढ़ने का आवास होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो भार बढ़ने का आवास होता है मतलब अधिक भार लगता है ठीक है और याद रखना अगर नीचे लिफ्ट आती है तेज़ी से तो याद रखना व्यक्ति को भार में कमी का अनुभव होता है जब नीचे आती है तो ये दोनों बातें अति महत्वपूर्ण है छाप लेना <coughs> आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन पारिस्थिति की तंत्र किससे मिलकर बनता है सही जवाब कमेंट करना है पारिस्थिति की तंत्र जो होता है किससे मिलकर बनता है आबादी और उसके निर्जीव घटक जीवी समुदाय और उसके निर्जीव घटक ऑप्शन नंबर सी आबादी से या ऑप्शन नंबर डी जीवी समुदाय तो प्यारे साथियों याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि याद रखना पारिस्थितिकी तंत्र जो हैं यह याद रखना जो जीवी समुदाय जीवों का एक समुदाय और कुछ निर्जीव घटक होता है उनसे मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा आगे बात करते हैं अति महत्वपूर्ण जो जानकारी बताई जा रही है परीक्षा में आएगी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया एग्जाम में पूछ ले तो नाम याद रखिएगा एजी टेंसले एजी टेंसले इनका नाम है और वैज्ञानिक इनका इन वैज्ञानिक का नाम छाप के रखना है 1935 सौ ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था अति महत्वपूर्ण अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है अतीजबाजी में जो हरा रंग होता है किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है जो अतीजबाजी होती है पटाखे चलते हैं उसमें क्या होता है तो याद रखिएगा अतीजबाजी में जो हरा रंग होता है किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं राइट आंसर जवाब आपको कमेंट करना है तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा बेरियम तो याद रखिए बेरियम के कारण आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है याद रखना वो दिखाई देता है बेरियम आगे यदि बात करें अति महत्वपूर्ण जानकारी की तो आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम और लाल चटक रंग जो होता है स्ट्रॉन्शियम ठीक है ना लाल चटक रंग अगर लाल चटक पूछे तो और अगर हरा रंग पूछे तो बैरियम याद रखिएगा इन दोनों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है आगे यदि बात करें अगला अगले क्वेश्चन का सही जवाब फिर से छापो प्यारे साथियों इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं मतलब ऐसा जानवर बताओ जिसके जबड़े नहीं होते जिसके जबड़े नहीं होते ऐसे जानवर का नाम आपको बताना है चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं पहला ऑप्शन है इसफिनी ऑप्शन नंबर बी मिक्साइन ऑप्शन नंबर सी शार्क ऑप्शन नंबर डी ट्राइगोन तो ऐसा जानवर जिसके जबड़े नहीं होते हैं सही जवाब याद रखना बी वाला ऑप्शन हो जाएगा मिक्साइन मिक्साइन याद रखिएगा इसके जबड़े नहीं होते हैं आगे यदि बात करें तो याद रखना मिक्साइन कुल की मछलियों में जबड़े नहीं जो अमेरिका और यूरोप में पाई जाती हैं बी बिल्कुल राइट आंसर दिया आप सभी ने स्वाति ऋषि कुनाल बिल्कुल बहुत बढ़िया इसी तरह भागे चलो अगले क्वेश्चन की ओर शानदार तरीके से पूरे पचास क्वेश्चन में आप लोगों को तबाही मचाना है यहाँ पर बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन व्यक्ति पृथ्वी की सता की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है कोई भी व्यक्ति याद रखना पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर अधिक उछल सकता है चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं चंद्रमा को कोई वायु मंडल नहीं होता चंद्रमा की सतह खुर दूरी होती है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा यानी प्यारे साथियों चंद्रमा में जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है पृथ्वी की तुलना में कम होता है मतलब चंद्रमा पर जाने पर हमें हमारा भार कम व्यतीत होता है इसलिए हम पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर अधिक उछल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा और याद रखना चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है इतना तो आप सभी जानते होंगे और चंद्रमा के गुरुत्वी त्वरण का मान पृथ्वी के याद रखना जी के मान का एक बटे छवा भाग होता है पृथ्वी के गुरुत्वी त्वरण का एक बटे छः हिस्सा होता है मतलब वहाँ पर गुरुत्वी त्वरण कम होता है इसलिए याद रखना हम पृथ्वी की अपेक्षा वहाँ पर अधिक उछल सकते हैं आगे यदि बात करें अगला क्वेश्चन है आपके सामने छाप दो जल्दी से उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतया किससे बनाए जाते हैं चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं पहला ऑप्शन हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर बी क्षारी धातु ऑप्शन नंबर सी संक्रांत धातु ऑप्शन नंबर डी कार्बन तो इसका सही जवाब याद रख लो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि संक्रांत धातु याद रखना उत्प्रेरण कन्वर्टर इसी से बनाए जाते हैं संक्रांत धातु आगे यदि बात करें हम लोग तो समझिएगा परमाणु संख्या 21 से लेकर तीस और उनचालीस से लेकर अड़तालीस और सत्तावन से लेकर अस्सी और निवासी से लेकर एक सौ बारह वाले रासायनिक तत्व सभी संक्रमण तत्व कहलाते हैं ये जानकारी छाप लेना साइंस की चूँकि ये सभी तत्व धातुएँ हैं और इनको संक्रमण धातु भी कहते हैं याद रखना अगला सही जवाब कमेंट करेंगे सभी प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है मरकरी और सोडियम स्ट्रीट किसके कारण रोशनी देते हैं जो मरकरी और सोडियम स्ट्रीट हैं किसके कारण रोशनी देते हैं परमाणु अवशोषण इलेक्ट्रॉन अवशोषण परमाणु उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन सही जवाब याद रखना परमाणु उत्सर्जन परमाणु उत्सर्जन ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा और परमाणु उत्सर्जन के कारण याद रखना मरकरी और सोडियम रोशनी देते हैं सी वाला बिल्कुल सही जवाब है आगे अजाओ मैथ का गर्दा उड़ा दो तूफान लेके अजाओ सभी मैथ का करणी का क्वेश्चन है एन का मान बताना है यहाँ तीन के ऊपर करणी है दुनिया की कोई भी संख्या पर दो घात की करणी होती है तो उसकी पावर एक बटे दो मानी जाती है और पूरे की पावर यहाँ पर पाँच है पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ प्यारे साथियों आपकी एग्जाम निकट आ गई है यहाँ पर भी आधार समान करेंगे नौ को हम तीन की घात दो लिख सकते हैं और इस पूरे की घात यहाँ पर दो लगी हैं और बराबर में तीन की पावर एन और गुणा में तीन की पावर कुछ भी नहीं है मतलब एक और फिर से गुणा में तीन पर करनी लगी है करणी का मतलब होता है घात में एक बटे दो अगर करणी को हटाते हैं तो घात में एक बटे दो प्यारे साथियों घात का एक रूल होता है कि अगर किसी भी आधार पर घात लगी हो और उसकी भी घात लगी हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है तो एक की पावर एम का गुणा एन से हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा तीन की पावर एक बटे दो का गुणा पाँच से हो जाएगा फिर गुणा में इस तीन की पावर दो का गुणा फिर से ऊपर वाली घात दो से हो जाएगा बराबर यहाँ पर तीन की पावर एन है गुणा में तीन की पावर एक है गुणा में तीन की पावर एक बटे दो इतनी सी कहानी यहाँ पर समझ कर रखना है अब घात की घात जहाँ गुणा हुआ है सबका गुणा कर लो तीन की पावर पांच का घात गुणा से होगा तो पांच बटे दो यहाँ बनेगा गुणा में यहाँ तीन की पावर हो जाएगा प्यारे साथियों दो गुणा दो मतलब चार बराबर यहाँ पर तीन की पावर एन लिखा है लिख लो गुणा में तीन की पावर एक गुणा में तीन की घात एक बटे दो अब क्या करना होगा प्यारे साथियों पूर्वक समझना आईएमपी क्वेश्चन लगाना जहां पर भी आधार समान होते हैं वहां गुणा में घाते जुड़ जाती हैं यदि आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ जाती है मतलब पांच बटे दो में जुड़ जाएगा चार बटे एक इन घातों को जोड़ लो बराबर इसी प्रकार यहाँ तीन कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर यह घाते आपस में जुड़ जाएगी एन बटे एक में प्लस हो जाएगा एन बटे एक में प्लस हो जाएगा एक और फिर से प्लस हो जाएगा एक बटे दो इन सब को जोड़ लो आधार से आधार कट हो जाएगा सीधा आपको मैं ले चलता हूँ आंसर की ओर समझिएगा इधर आधार से आधार कट हुआ घाते बज गई तो यहाँ पर यहाँ पर घातों घातों को आप ऐड कर लें पाँच बटे दो पाँच बटे दो और प्लस का हो जाएगा चार बटे एक और बराबर में यहाँ पर लिखा है एन के बटे में एक और प्लस में एक के बटे में एक और प्लस एक बटे दो इधर लघुत्तम लेंगे तो दो लघुत्तम आएगा और इधर जोड़ लो दो कम दो और यहाँ पाँच बनेगा प्लस यहाँ पर एक का भाग दो में दो बार जाएगा और दो गुणा चार हो जाएगा आठ और बराबर में आ जाएगा इधर भी लघुत्तम आएगा दो तो इधर दो का गुणा तो एन से होगा तो टू एन प्लस यहाँ पर दो का गुणा एक से होगा तो दो प्लस या एक से एक कट कर मतलब वन टाइम यहाँ पर जाएगा अब क्या करो आठ में पांच जोड़ा तो यहाँ बनेगा तेरा तेरह बटे दो बराबर यहाँ क्या हो जाएगा इसको जोड़ लो टू एन प्लस थ्री यहाँ टू एन प्लस प्यारे साथियों हो जाएगा टू प्लस वन थ्री हो जाएगा और बटे में दो हैं इस दो से ये वाला दो कट जाएगा अब आपको क्या करना होगा आपको ये प्लस का तीन इधर माइनस करना होगा तेरह माइनस तीन बराबर इधर टू एन बच जाएगा तेरह में से तीन जाएगा दस बचेगा और एन का मान हमें लाना है गुणा का दो इधर भाग में पहुंचा दो दो से दस कटेगा पाँच बार तो एन का मान आ जाएगा पाँच एन बराबर पाँच आ जाएगा आंसर को आना पड़ेगा अगर कंसेप्ट आपको आते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा एन बराबर पाँच एन बराबर पाँच अगर कम समझ आया तो क्लास के बाद दो बार और देख लेना आई एम पी क्वेश्चन है वेरी मोस्ट आई एम पी आई एम पी लगा लेना वेरी मोस्ट है घातांक घातकर्णी का अगला क्वेश्चन आपको दिया है पंद्रह प्रतिशत और बीस प्रतिशत की उत्तरोत्तर छूट कितनी एकल छूट के बराबर होगी मतलब दो डिस्काउंट के बराबर एकमात्र डिस्काउंट आपको बताना है तो यहाँ पर जब भी आपको एकमात्र डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट हमेशा एम पर दिया जाता है अंकित मूल्य मान लो सौ रुपया था पहला डिस्काउंट पंद्रह प्रतिशत दिया है तो अंकित मूल्य का पिचासी प्रतिशत निकालो डिस्काउंट को सौ प्रतिशत में से घटा लो फिर दूसरा डिस्काउंट बीस प्रतिशत का दिया है सौ प्रतिशत में से बीस प्रतिशत को घटाएंगे अस्सी प्रतिशत निकालोगे ये दो जीरो से ये दो जीरो कट हो जाएंगे एक जीरो से एक जीरो इधर पाँच से दो बार कट जाएगा पाँच से ये कट जाएगा सत्रह बार और दो से आठ को काटेंगे तो चार बार कट जाएगा सत्रह गुणा चार होता है अड़सठ मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य आया कितना अड़सठ अब की वस्तु अगर हम सीधा डायरेक्ट अड़सठ में बेचें तो एकमात्र डिस्काउंट कितना बनेगा घटा लो यहाँ पर दस में से आठ जाएगा दो बचेगा नौ में से छः गया तीन बचेगा बत्तीस प्रतिशत का एकमात्र डिस्काउंट निकल कर आ जाएगा बत्तीस प्रतिशत बी वाले में छपा हुआ है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बत्तीस प्रतिशत ठीक है इस प्रकार आप इसका गर्दा उड़ा सकते हैं बत्तीस प्रतिशत जिन भी साथियों का आया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आगे बात करते हैं अगला अगले क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट करेंगे सभी प्यारे साथी सभी प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक स्कूल के मैदान की लंबाई तथा उसकी चौड़ाई से पाँच अनुपात दो है मतलब लंबाई और चौड़ाई का आपको अनुपात दिया है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है लंबाई का रेशो पाँच है चौड़ाई का रेशो दो है यह कह रहा है कि चौड़ाई चा चालीस मीटर है मतलब इस चौड़ाई का मान भी दिया कि चालीस मीटर चौड़ाई है क्वेश्चन पूछ रहा है लंबाई बताओ तो इसका मतलब ये हुआ लंबाई चौड़ाई का रेशो दिया जिसमें चौड़ाई बताया तो आप समझो मतलब चौड़ाई का अनुपात दो था और इस दो अनुपात का मान चालीस दिया तो यहाँ से एक अनुपात का मान निकाल लो चालीस में आप क्या करो दो का भाग लगाओ दो से चालीस को काटेंगे तो बीस बार कट जाएगा और यहाँ पर आपको लाना है लंबाई तो प्यारे साथियों लंबाई लाने के लिए लंबाई का अनुपात कितना है पाँच और पाँच का गुणा एक अनुपात के मान से कर दो यानी बीस से तो से पंज हो जाएगा सौ और सौ मीटर क्या आ जाएगी इसकी लंबाई आ जाएगी बी वाला उड़ा दो बिल्कुल बी वाला सही जवाब हो जाएगा जिन भी प्यारे साथियों का बी आया सौ मीटर बिल्कुल राइट आंसर है बहुत बढ़िया ऋषि भूपेंद्र जी बिल्कुल कुणाल योगिता तारा बिल्कुल वी आर बहुत बढ़िया इसी तरह भागे चलो अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन आपको दिया है यदि ए प्लस बी बराबर बारह हैं ए गुणा बी बराबर बाईस हैं तो ए वर्ग प्लस बी वर्ग किसके बराबर होगा ये बीज गणित का अति महत्वपूर्ण फॉर्मूले से होगा जो फॉर्मूला आप छाप लो आपने एक फॉर्मूला सुना होगा बचपन में और अभी भी पढ़ रहे होंगे ए प्लस बी का होल वर्ग बराबर होता है ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस टू ए बी इस फॉर्मूले में मान रखो जो दिए हैं वो और जो मान हमसे पूछा है वो निकल जाएगा क्या करो प्यारे साथियों प्लस बी का मान दिया है बारह तो बारह का होल वर्ग लिखो बराबर ए वर्ग प्लस बी वर्ग का मान हमसे पूछा गया तो इसकी जगह आप सीधा यही लिखो ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस टू की जगह टू को लिखा गुणा में ए बी और ए बी का मान अपने को दिया है बाईस तो बाईस यहाँ पर लिख दो उसके बाद क्या करो बारह का स्क्वायर करोगे तो एक सौ चौवालीस होगा बराबर ऐसा ही लिखेंगे और प्लस बाईस का गुणा दो से करेंगे 44 हो जाएगा प्लस का 44 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो एक सौ में से अपना माइनस हो जाएगा 44 और बराबर में रह जाएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग अब प्यारे साथियों एक में से 44 को घटाएंगे 100 बच जाएगा और 100 क्या बच जाएगा ए वर्ग प्लस बी वर्ग का मान और यही हमसे प्रश्न ने पूछा है कि ए वर्ग प्लस बी वर्ग का मान बताओ 100 बिल्कुल राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट right आंसर बहुत बढ़िया डी वाला होगा बेटा डी वाला कुणाल जी डी वाला होगा आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट अगला यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन छापो 20 और 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा अभाज्य संख्याएं आपको पता होनी चाहिए इसका कोई भी ट्रिक नहीं मिलेगा दुनिया के किसी भी कोने में अभाज्य संख्याओं की ट्रिक नहीं होती है अभाज्य संख्या एक्चुअली लिखना पड़ेगा तो मैं आपको बता दूं 20 और चालीस के बीच अभाज्य संख्याओं का मतलब वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से ना कटे उन्हें हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं जल्दी से सभी प्यारे साथी इसका सॉल्यूशन करेंगे क्या राइट आंसर होगा सही जवाब कमेंट करेंगे सभी प्यारे साथी आप लोगों को क्या करना है बीस और चालीस के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को लिख लेना है तो बीस के बाद अभाज्य संख्या सीधी तेईस आती है तेईस के बाद में आता है चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाइस उनतीस उसके बाद इकतीस होता है उसके बाद होता है प्यारे साथियों सैतीस ठीक है ना इतनी अभाज्य संख्याएं होती हैं बीस और चालीस के बीच इनका गुणनफल बताना है मतलब गुणा करके बताना है इनका गुणा आप लोगों को करके बताना है क्या सही जवाब हो जाएगा जब आप प्यारे साथियों ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे छिहत्तर पचास उनचास आएगा ऑप्शन नंबर बी बी वाला बिल्कुल बहुत बढ़िया इसी तरह से छाप दो तो अभाज्य संख्याओं में आपको सीधा सीधा आपको गुणा करना ही पड़ेगा अभाज्य संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से भी विभाजित ना हो उन्हें हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं आगे बढ़ जाते हैं अगला अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है अगला क्वेश्चन दो संख्याएं पाँच रेशो आठ के अनुपात में हैं। पाँच अनुपात आठ के अनुपात में हैं और यह कह रहा गया कि दोनों संख्या में बारह अगर जोड़ दिया जाए तो अनुपात तीन अनुपात चार हो जाता है पहली संख्या का मान आपको बताना है क्या करना है समझो कोई भी दुनिया की दो संख्याएं जैसे कि मान लो एक बीस मान लो एक पच्चीस मान लो इन दोनों में अंतर कितना है यहाँ पर तो आप कहोगे सर पाँच का अंतर है अब अगर इन दोनों में सेम नंबर जोड़ा जाए एक ही नंबर जोड़ा जाए मान लो यहाँ भी पाँच जोड़ दें और यहाँ भी पाँच जोड़ दें तो ये संख्या तीस बन जाएगी और ये संख्या भी ये संख्या तो यहाँ पर पच्चीस बन जाएगी और ये यह संख्या यहाँ पर तीस बन जाएगी अब इनके बीच अंतर अभी भी कितना आएगा पाँच का अंतर आएगा तो मैं आपको बता दूँ क्या होता है कोई भी दो नंबर का रेशो अगर आपको दिया है और याद रखना यहाँ पर दोनों में सेम संख्या जोड़ी जा रही है तो जो रेशो का अंतर प्रारंभ में था जैसे आठ और पाँच में तीन का अंतर था और बाद में अंतर कितना बना चार और तीन में एक का अंतर बना तो प्यारे साथियों ये अंतर बराबर करना होता है तो यहाँ पर आप क्या करोगे तीन का गुणा तो पूरे नीचे वाले रेशो में कर दो और एक का गुणा ऊपर वाले रेशो में कर दो अंतर बराबर हो जाएगा एक का गुणा पाँच अनुपात आठ में करेंगे तो पाँच अनुपात आठ ही रहेगा और तीन का गुणा नीचे कर दो तो तीन तिया नौ हो जाएगा और तीन चुक कितना हो जाएगा बारह अब अंतर देखो आठ और पाँच में अंतर कितने का है तीन का और नौ और बारह में भी अंतर कितने का है तीन का तो अब हमारा दोनों जगह अंतर समान आ चुका है अब क्या करना है यहाँ पाँच से ये कितना बड़ा चार बड़ा और इसी प्रकार आठ से ये भी चार बड़ा तो बारह बना मतलब चार अनुपात जोड़ दिया गया और कितने जोड़ने पर बढ़ा ये बारह जोड़ने पर चार अनुपात का मान बारह होगा एक अनुपात का मान लाओ तो बारह में चार का भाग लगाओगे चार तारह एक रेशो बराबर आ जाएगा तीन क्वेश्चन ने पूछा पहली संख्या का मान बताओ प्रारंभ में पहली संख्या का रेशो कितना था मतलब जो हमने रेशो बनाया इसमें पांच तो पहली संख्या याद रखना आ जाएगी पांच रेशो तो एक रेशो का जो भी मान आया तीन से गुणा करो पी पंद्रह पहली संख्या पंद्रह हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट right आंसर है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी बहुत बढ़िया सभी प्यारे साथियों ने सही छापा अब की बार वर्दी पर यकीन मानिएगा बहुत सारे प्यारे साथी फौजी हैं अब की बार इसलिए प्रतिदिन क्लास के साथ जुड़ें और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर करें सभी साथी और अपने अधिक से सा अधिक साथियों को इस क्लास के साथ जोड़ें प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हैं इसमें आपको सरलतम रूप बताना है इसका क्या आंसर आ जाएगा तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर यहां पर बोला गया क्या हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब कमेंट करेंगे रूट के अंदर 121 इसका करणी हटेगा तो ये 11 का वर्ग होता है 121 और वर्गमूल हटने पर दशमलव यहाँ चार अंक के पहले हैं तो दो अंक के पहले लग जाएगा वर्गमूल हटने पर प्यारे साथियों और गुणा में दो सौ पच्चीस पंद्रह का वर्ग होता है और मैं आपको बता दूं दशमलव चार के पहले वर्गमूल में लगा हैं दशमलव हटने पर वर्गमूल दो के पहले लग जाएगा यहाँ पर और बटे में लिखा है रूट के अंदर जीरो पॉइंट जीरो चार दो के पहले वर्गमूल लगा है तो दशमलव हटने पर एक के पहले लग जाएगा दो का वर्ग चार होता है बस यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे नीचे दो जीरो आएंगे फिर से ये पॉइंट हटाएंगे दो जीरो और आएंगे ये दो का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में एक जीरो जाएगा अब क्या करना होगा आप लोगों को अब इसे सोल्व कर लेना है अब आपको प्यारे साथियों ये जीरो से जीरो कट कर देना है और दो से यहाँ पर कुछ भी नहीं कट रहा है तो आपको समझदारी से काम लेना है आपको पंद्रह गुणा ग्यारह करना है तो पंद्रह एकम पांच होता है पंद्रह एकम पंद्रह और एक सोलह एक सौ पैंसठ बटे दो गुणा यहाँ पर कितना हो जाएगा तीन जीरो आपको क्या करना है दो का भाग लगा देना है दशमलव के कितने आ, दो आठी सोलह होता है दो दुनी चार और एक बचा दशमलो लगाकर दो पंच दस फिर से दशमलव हटाकर नीचे एक जीरो और बढ़ा लो अब चार अंकों के पहले दशमलव लगा दो तो जीरो दशमलव जीरो आठ दो पांच इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए ए वाला बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा जिन भी साथियों ने ए वाला छापा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन रीजनिंग से है आप सभी को छापना है यहां पर लिखा गया बैक्टीरिया को ए बी आई ए आर ई टी के रूप में लिखा जाता है तो प्रोटोजोवा को किस अकॉर्डिंग लिखा जाएगा तो प्यारे साथियों हमें समझना पड़ेगा यहां पर इसमें कंसेप्ट क्या है यहां बोला जा रहा बैक्टीरिया बी ए सी टी ई -E, उसके बाद आर आई ए और इसको लिखा गया ए बी ए बी उसके बाद में आई ए आई ए उसके बाद में लिखा गया आर सी और उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया ई e, टी आपको ये दोनों का कंसेप्ट समझना है और यही कंसेप्ट प्रोटोजोवा में अप्लाई कर देना है पी आर ओ टी ओ जेड ओ उसके बाद में ए इसमें यह कंसेप्ट अप्लाई कर देना है राइट आंसर आपका आ जाएगा बट हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट का जो क्रम होता है इनका उसमें प्लस माइनस तो नहीं किया क्योंकि यहाँ पर स्थान परिवर्तन कर दिए ऊपर जो शब्द आपको दिए हैं यहाँ पर बैक्टीरिया में सारे शब्दों को आगे पीछे कर दिया बट उसी अकॉर्डिंग वापस हमें क्या करना है इधर भी आगे पीछे करना है मतलब स्थान परिवर्तन इनका कर दिया गया है क्या करोगे बी जैसे बी आपको कहाँ दिखाई दे रहा था फर्स्ट में तो इस बी को कहां रख दिया सेकंड नंबर पर रख दिया तो पी को भी सेकंड नंबर पर रख दो आर के नीचे तो पी सेकंड नंबर पर आ जाएगा पी किस ऑप्शन में पी सेकंड नंबर पर दिखाई दे रहा है तो सी वाला भी गलत डी वाला भी गलत हो जाएगा प्यारे साथियों और बी वाला भी गलत हो जाएगा स्थान परिवर्तन है मात्र ए वाला बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा ए वाला ए वाला प्यारे साथियों ऋषि जी सी वाला नहीं होगा ए वाला होगा स्थान परिवर्तन करो देखो पहले शब्द को इसने दूसरे शब्द के नीचे लिखा है बैक्टीरिया में तो यहाँ पर प्रोटोजोआ के पहले शब्द को भी हम कहाँ लिखेंगे दूसरे नंबर पर लिखेंगे आर के नीचे और दूसरे नंबर पर पी आएगा मतलब किस ऑप्शन में पी दिखाई दे रहा है ए वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है इस प्रकार ए वाला हो जाएगा ठीक है तो आप लोग अगर मजे आए हो तो जल्दी से बताओ पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत यहाँ पर हमें नहीं पड़ी है आगे बढ़ जाते हैं अगला अगले क्वेश्चन में एक सीरीज है आपके सामने और इस सीरीज में बोला गया कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा तो यहाँ पर आप समझो एक से बीस बना एक से बीस बना और बोला गया कि फिर अंठावन बना और अंठावन के बाद क्वेश्चन मार्क और उसके बाद में एक सौ इक्यानवे बना तो आप समझो एक और बीस में कितने का अंतर है उन्नीस का और बीस और पचास में अड़तीस का अंतर है अब यहाँ आगे कितने का अंतर होना चाहिए तो ये समझो 19 का डबल 38 तो 38 का डबल अंतर होना चाहिए दो गुना अंतर जोड़ता जा रहा है दो गुना करके जोड़ता जा रहा है यहाँ पर 38 का डबल यहाँ पर कितना हो जाएगा आठ दूनी होता है यहाँ पर 16 के छह कैरी वन दो तिया और एक कितना सात छहत्तर जुड़ेगा पचास में पचास में छिहत्तर जुड़ेगा जीरो में छः जोड़ा तो छह बनेगा सात पांच होता है कितना बारह तो एक आएगा गलत कैसे हो रहा है यहाँ पर चेक करो कंसेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर बोला गया कि एक से हम बीस बनाते हैं फिर अंठावन बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक सौ इक्यानवे बनाते हैं तो यहाँ पर देखो इन दोनों में उन्नीस का अंतर इधर जोड़ा है उन्नीस से कम उन्नीस उन्नीस दूनी अड़तीस हो सकता है कि उन्नीस या सत्तावन या आगे बने या क्वेश्चन मार्क की, की जगह यहाँ संतावन जोड़ के देखो सन्तावन जुड़ेगा उन्नीस का टेबल जोड़ता जा रहा है आगे तो यहाँ पर आठ सात पंद्रह के पाँच हो जाएंगे पाँच पाँच दस और एक कितना ग्यारह एक सौ पंद्रह ऑप्शन में भी दिया है उन्नीस क्या सन्तावन जुड़ेगा यहाँ पर और उन्नीस चुक आगे कितना जुड़ना चाहिए छहत्तर तो यहाँ पर छिहत्तर ही जुड़ रहा है बिल्कुल आगे इन दोनों में सेवेंटी सिक्स जुड़ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है बी वाला प्यारे साथियों बिल्कुल अमृत मैम जी बिल्कुल स्वागत है आपका आ जाओ और जुड़ जाओ सेशन के साथ और लगातार क्वेश्चन का बारिश कर दो आंसर का सभी प्यारे साथी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है बी वाला बिल्कुल बहुत बढ़िया आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन तीन स्टार लगाकर सही जवाब कमेंट करना है आपको दो लोग ए और बी एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं मान लो दो लोगों ने एक ही बिंदु यहां ये था यहां से चलना प्रारंभ किया एक का नाम ए था एक का नाम बी था ए ने पाँच मीटर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया पूर्व दिशा यहाँ से इधर होती है और ये पाँच मीटर चला ए चल रहा है फिलहाल में फिर दक्षिण की ओर मुड़ा दक्षिण दिशा यहाँ से नीचे होती है। दक्षिण दिशा प्यारे साथियों नीचे होंगी नीचे की ओर मुड़ा और वापस बोला गया पाँच मीटर चला तो जितना बड़ा पांच मीटर पहले बनाया था फिर से बनाएंगे अब यहाँ पर कौन आ गया ए आ गया फिर बोला गया बी उसी समय बी पाँच मीटर दक्षिण की ओर चलता है बी यहीं से चला दक्षिण दिशा की ओर नीचे चला पाँच मीटर तो पाँच मीटर का लाइन इतना बड़ा बी चल रहा है अब बोला जा रहा है यहाँ पर आगे फिर से फिर बोला गया फिर वहाँ अपने बाई और मुड़ता है बाया मतलब प्यारे साथियों घड़ी की उल्टी दिशा मतलब इधर मुड़ेगा बाई और और 25 मीटर चला तो 25 मीटर इधर जाना है मतलब हमें 25 मीटर काफी बड़ा लाइन बनाना पड़ेगा और 25 मीटर मतलब आप समझ लो यहाँ ये यह लाइन तो सिर्फ पांच का इधर कितना और बीस और तो ये यह यहाँ पर बी खड़ा है बेटा यहाँ पर बी आ गया एक की स्थिति से बी कहाँ पर है मतलब ये बी बताना है कि बी कहाँ खड़ा ए से तो ऐसे ये पूर्व दिशा में तो खड़ा है पूर्व दिशा में बट ये दूरी बताना है कितनी है टोटल तो याद रखिएगा बी जो खड़ा है ऐसे पूर्व दिशा में खड़ा है और ये टोटल दूरी पच्चीस है जिसमें ये वाला पाँच है पाँच ये वाला इसके बराबर है तो पच्चीस में से पाँच इधर तो ये कितना बच गया बीस तो बीस मीटर छाप दो बीस मीटर पूर्व में खड़ा है बी बीस मीटर सही है क्या जल्दी से बताओ तो यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा बीस आपको ऑप्शन में दिया है किसी में भी बीस नहीं दिया है क्या गड़बड़ हुआ यहाँ से यहाँ तक टोटल पच्चीस चला था व्यक्ति जिसमें पाँच ये तो बीस क्यों नहीं हुआ बी ए के पश्चिम में ए के पश्चिम में नहीं पूर्व में है बी जो ए के पूर्व में है बी ए के पूर्व में दस मीटर दस हो जाएगा क्या जल्दी बताओ एक बार फिर से इसे प्यार से सोल्व करेंगे सात बार इसका आंसर आएगा बहुत अच्छे से आएगा समझिएगा आप एक बार और फिर से कोशिश करेंगे अच्छे से दो लोग यहाँ से चलना शुरू करते हैं ये बोल रहा है यहाँ पर ए पंद्रह मीटर पूर्व की ओर चला पूर्व की ओर पंद्रह मीटर गया यहाँ से पूर्व दिशा पंद्रह ये ए चल रहा है यहाँ पर शुरू में पाँच बना दिया था मेरे से ये गलती हुआ था पंद्रह मीटर चला फिर दक्षिण की ओर मुड़ा और, और पाँच मीटर चला दक्षिण दिशा नीचे होगी और पाँच मीटर चला ए अब यहाँ पर ए खड़ा है बी उसी समय पाँच मीटर दक्षिण की ओर चला यहीं से दक्षिण दिशा पाँच मीटर इधर हो जाएगी यहाँ पर ये पाँच मीटर बी चला ये पाँच मीटर लाइन है और फिर वहाँ अपने बाईं और मुड़कर पच्चीस चला अब अपने को बाएँ इधर मुड़ जाना है और पच्चीस मीटर जाना है मतलब पंद्रह ये तो दस और आगे निकल जाएंगे टोटल ये पच्चीस हो जाएगा यहाँ पर बी खड़ा है बिल्कुल तो ये पंद्रह है मतलब यहाँ भी पंद्रह है और टोटल ये यहाँ पर पच्चीस का है तो ये कितनी लाइन बच गई दस तो ए और बी के बीच में दस मीटर की दूरी है और बी जो खड़ा ए से किस दिशा में खड़ा पश्चिम में पश्चिम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दस मीटर पश्चिम और दस मीटर पश्चिम में खड़ा है बी ए से तो कौन सा वाला ऑप्शन है जल्दी से बताओ पश्चिम में खड़ा है बी ए से पश्चिम में दस मीटर की दूरी पर सी वाला सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ठीक है इस प्रकार हो जाएगा बहुत बढ़िया सी वाला सही छापा आप लोगों ने बिल्कुल अगला क्वेश्चन आ जाए सभी साथी अगला क्वेश्चन आ जाए अगले क्वेश्चन में चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं पीतल तांबा स्वर्ण लोहा पीतल तांबा स्वर्ण लोहा क्या सही हो जाएगा अमृत जी क्या बोल रहे हैं आप आर्मी का पेपर किस लेवल का आता है सर गूगल पर जाकर पेपर सोल्व किया है तो वो बहुत ज़्यादा टफ हैं और यूट्यूब पर प्रीवियस ईयर कर रहे तो बहुत आसान है सर देखो ऐसा कुछ भी नहीं है प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आर्मी का पेपर किस लेवल का आएगा मैं आपको बता देता हूं टफ ही कुछ भी नहीं करता जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग में आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए और मैथ है तो मैथ आपसे बनना चाहिए टफ इजी कुछ भी नहीं करता है बस आप तैयारी करते रहिएगा प्रीवियस ईयर भी लगाइएगा कुछ न्यू प्रैक्टिस सेट भी लगाइएगा बाकी जो यूट्यूब पर क्लास है उनको भी लगाइएगा ठीक है आप लोग आराम से कर पाओगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बाकी आप पढ़ते रहिएगा मेरा तो कहना ये है आप अपने कंसेप्ट क्लियर करिएगा अगला क्वेश्चन छापो सभी यहाँ पर अगर बात करें नेक्स्ट वाला तो यहाँ पर आ जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो प्यारे साथियों इसका जो राइट right आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन हो जाएगा पीतल पीतल इसका सही जवाब हो जाएगा याद रखना और यहाँ पर हो जाएगा ये पीतल एक मिश्र धातु है मिश्र धातु हैं इसलिए ये अलग हो जाएगा मतलब असमान बताना था इसमें असमान विषम बताना था तो यहाँ पर याद रखिएगा पीतल मिश्र धातु है बाकी ये तीनों ऑप्शन बी सी डी मिश्र धातु नहीं है आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में लिखा है यहां पर अगला वाला पौधा शाखा पौधा से संबंध है और अवयव का संबंध किससे हो जाएगा चार ऑप्शन आपको दिया है कुत्ता चलना हाथ पशु तो आपको समझना पड़ेगा कि जो शाखा है उसका संबंध पौधे से किस प्रकार है तो मैं आपको बता दूं जो पौधा है शाखा का एक भाग है तो अवयव किसका एक भाग हो जाएगा तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा डी वाला पशु प्यारे साथियों याद रखना पशु जो हैं वो कई अवयव से बने होते हैं पशु जो होते हैं वो कई अवयव से बने होते हैं इसलिए इसका सही जवाब डी याद रखना पशु हो जाएगा पशु आगे बात करते अगला अगला क्वेश्चन सही जवाब आपको कमेंट करना है बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर बस छूटने का समय 21 बजे है इसका मतलब क्या हो जाएगा तो आप सभी जानते होंगे जो दिन को 12 बजते हैं दिन में 12 बजते हैं तब तक तो एम टाइम चलता है और 12 बजे के बाद का टाइम एक बजना मतलब 13 बजना चौदह बजना पंद्रह बजना तो इस प्रकार 12 के बाद जितना भी टाइम होता है वो सारा पी एम का होता है रात को 12 बजे तक तो यहां पर बोला गया बस छूटने का समय 21 बजे है तो 12 के बाद कितना बजने पर 21 बजता है तो 12 ठीक है ना बाद 13 एक बजना इस प्रकार 21 बजना मतलब 12 आठ बजना मतलब 20 होता है आप सभी जानते हैं और 9 बजना मतलब 21 होता है तो जब रात को 9 बजते हैं 9:00 और रात का टाइम पीएम होता है नौ बजे तक तो नौ बजना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप रेलवे टाइम को और जो चौबीस घंटे वाला टाइम है इसको आप बारह घंटे वाले टाइम से कन्वर्ट करोगे तो आप लोग सीख जाओगे बहुत ही ईजी हैं इसका राइट आंसर भी बिल्कुल सही छापा आप लोगों ने पी रहेगा लेकिन रात का नौ बजे तक का टाइम पीएम होता है दिन की बारह बजे के बाद में और रात के बारह बजे तक पीएम चलता है और रात को बारह बजे से लेकर सुबह के बारह बजे तक एएम का टाइम चलता है आगे बढ़ जाओ अगला अगले क्वेश्चन में लिखा है एक्स बराबर एक दिया है वन और क्वेश्चन कहा जा रहा है इस रैखिक समीकरण थ्री का मान बताना है थ्री का मान बताना है क्या हो जाएगा तो यहाँ पर x का मान जब अपने को दिया गया वन तो इस x के मान को हम टू एक्स प्लस थ्री में रख देंगे मतलब क्या करेंगे टू गुना एक्स का मान हमें दिया है वन तो एक्स की जगह वन और प्लस की जगह प्लस और थ्री की जगह थ्री ऐसा ही लिखो इसका मान आ जाएगा सोल्व करने पर पहले मल्टीप्लाई कर लोगे टू वन टू हो जाएगा प्लस थ्री और टू प्लस थ्री होता है कितना फाइव हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुत बढ़िया बी वाला सभी का सही जवाब हो जाएगा आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट वाला अगला क्वेश्चन फिर से दिया गया विलोपन विधि दसवीं में आपने पढ़ा होगा बोला गया अगले क्वेश्चन में टू एक्स प्लस टू वाई टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू वाई बराबर दिया है ग्यारह इसे समीकरण एक समझो आगे लिखा है टू एक्स प्लस थ्री वाई के बराबर कितना चार इसे समीकरण दो समझेंगे आप सभी ने दसवीं क्लास में पढ़ा होगा विलोपन मेथड. पहले x, से एक का मान बराबर कर लो तो हम क्या करेंगे समीकरण एक में तो दो का गुणा करेंगे और समीकरण दो में हम तीन का गुणा करेंगे तो हमारा एक्स का मान बराबर हो जाएगा दो का गुणा समीकरण एक में करेंगे दो छः एक्स प्लस दो छुनी हो जाएगा चार वाई बराबर दो का गुणा ग्यारह से करेंगे बाईस हो जाएगा अब तीन का गुणा इधर करेंगे तीन दुनी छाएगा प्लस तीन का गुणा तीन वाई से करोगे तो तीन त्रिया नौ वाई हो जाएगा यहाँ पर नौ वाई बन जाएगा और बराबर में तीन चूक हो जाएगा बारह अब क्या करोगे ये नो वाई है यहां पर समझिएगा और यहां पर इनके चिन्ह बदल दो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये प्लस माइनस कट जाएगा और माइनस का नो वाई प्लस का चार वाई मतलब माइनस का पांच वाई यहां बचेगा और बराबर माइनस बारह चला जाएगा किस में यहां पर क्या हो जाएगा मैं आपको बता दूँ बारह चला जाएगा बाईस में से तो प्लस का ही बचेगा कितना जीरो और यहां पर आ जाएगा एक दस तो y बराबर लाने के लिए यहां पर आ जाएगा गुणा का पांच भाग में तो दस बटे माइनस पांच का भाग लगा दो तो पान दूनी दस यानी वाई का मान कितना आ जाएगा माइनस दो आएगा एग्जैक्ट वाई का मान माइनस का दो आएगा माइनस का दो वाई का मान वाई माइनस का दो होगा बेटा माइनस होगा आप लोग करके देखिएगा माइनस आएगा वाई का मान माइनस में आएगा और वाई का मान माइनस में हमें दिया है ऑप्शन नंबर डी में एक ही ऑप्शन है हमारे पास जिसमें आपको y का मान माइनस में दिया है d वाला अब आप चाहो तो y का मान समीकरण एक में रख दो y का मान समीकरण एक में रख दोगे तो x का मान भी आ जाएगा तो y की जगह सिर्फ आपको माइनस दो लिखना है समीकरण एक लिखा है तीन एक्स प्लस दो गुणा और y की जगह माइनस का दो लिखो और बराबर में ग्यारह अब क्या करो तीन एक्स प्लस ये माइनस दो का गुणा प्लस दो से होकर क्या हो जाएगा बराबर किधर लाओ तो ये माइनस का हो जाएगा चार और बराबर में ग्यारह और यहां पर तीन एक्स के बराबर में हो जाएगा माइनस चार इधर प्लस जाकर प्लस हो जाएगा ग्यारह से पंद्रह बन जाएगा और एक्स बराबर तीन से कट हो जाएगा पांच बार एक्स का मान पांच आया तो हमारे पास एक्स और वाई का मान दोनों आ गया डी वाले ऑप्शन में ठीक है तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन हो जाएगा अगला अगले क्वेश्चन का सही जवाब करना है कमेंट के अंदर सभी साथियों को दो संख्याओं का योग दिया है पिछानवे और दोनों का अंतर दिया है पंद्रह तो छोटी संख्या बताना है सबसे शॉर्ट ट्रिक देखो अगर योग आपको मिल जाए और अंतर आपको मिल जाए तो आप क्या करो जितना डिफरेंस है दोनों में उस डिफरेंस को घटाओ तो यहाँ पर पंद्रह चला जाएगा पंचानवे में से तो यहां पर आपके पास कितना बच जाएगा अस्सी और अस्सी में आप आधा आधा दो जगह बांट दो अस्सी को तो चालीस चालीस हो जाएगा दो जगह अब दूसरा हिस्सा पंद्रह अधिक बनाना है तो दूसरे हिस्से में पंद्रह जोड़ दो तो ये हो जाएगा पचपन दूसरा हिस्सा और छोटा हिस्सा रह जाएगा चालीस और चालीस पचपन दोनों संख्याएं हमारे पास बन जाएंगी क्वेश्चन में पूछा गया छोटी संख्या बताओ छोटी संख्या आपको बताना है प्यारे साथियों चालीस इसका सही जवाब आ जाएगा छोटा वाला चालीस बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ठीक है तो इस प्रकार से आप शॉर्ट में इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल जय श्री राम बिल्कुल आ जाइएगा सभी लोग और सभी लोगों का सही जवाब ए आना चाहिए ए वाला बहुत बढ़िया जिन भी साथियों ने ए छापा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बताइएगा एक समीकरण दिया है इसमें एक्स का मान बताना है इस समीकरण में आपको x का मान बताना है तो ये यहां पर क्या किया है यहां पर बराबर का चिन्ह बीच में लगाए एलसीएम ले लो सीधा यहां पर जोड़ना है तो एलसीएम ले लो तीन और सात का एलसीएम हो जाएगा इक्कीस तीन का भाग इक्कीस में सात बार जाएगा और सात का गुणा इधर पूरे में ऊपर कर लो तो सात एक्स माइनस सात या इक्कीस आगे चिन्ह प्लस का लगाएं जोड़ लो यहाँ पर सात या इक्कीस होता है तीन का गुणा इधर ऊपर हो जाएगा तीन एक्स माइनस तीन चुक बारह और बराबर की जगह बराबर लगाओ और बराबर की इधर लिखा है कितना दो एक्स माइनस वन बटे में कितना पाँच बस अब यहाँ सात एक्स और तीन एक्स हो जाएगा दस एक्स और यहाँ पर माइनस इक्कीस और माइनस बारह जुड़ जाएगा चिन्ह माइनस का आएगा और यहाँ माइनस का कितना बन जाएगा माइनस का तैंतीस बन जाएगा और क्या करोगे यहाँ पर अब आप लोगों को बटे में इक्कीस हो जाएगा हमारा और बराबर के इधर लिखा है टू एक्स माइनस वन और बटे में लिखा है कितना पाँच सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनका इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो आपके पास x का मान निकल पाएगा ठीक है तो यहाँ पर आप क्रॉस पाँच का गुणा इधर पूरे में कर दो पाँच दाम होता है पचास एक्स और माइनस हो जाएगा पैंतरी पंद्रह के पाँच केरी वन पैंतरी पंद्रह और एक सोलह और बराबर की जगह बराबर और इक्कीस का गुणा इधर कर दो इक्कीस दूनी बयालीस तो बयालीस एक्स और माइनस इक्कीस गुणा एक हो जाएगा इक्कीस एक इधर एक्स एक्स को एक साइड करेंगे तो बयालीस एक्स पचास में से माइनस होकर आठ एक्स बच जाएगा एक सौ पैंसठ प्लस का हो जाएगा जिसमें से इक्कीस चला जाएगा एक सौ पैंसठ माइनस इक्कीस कर देंगे तो हमारे पास आठ एक्स के बराबर पाँच में से एक गया चार छः में से दो गया चार बचेगा और ये यहाँ पर एक सौ चौवालीस एक्स का मान चाहिए आठ से कट करो आठे कम आठ एक बार कटेगा छः बचा आठ अटिया चौंसठ एक्स का मान अठारह आएगा ऑप्शन नंबर बी कैलकुलेशन है मात्र कैलकुलेशन प्यारे साथियों कैलकुलेशन बी वाला बहुत बढ़िया जितने भी छापा है बी वाला सही जवाब आ जाएगा है ना अठारह बिल्कुल आ जाएगा इसका राइट आंसर योगिता तारा बिल्कुल राम स्वाति बहुत बढ़िया इसी प्रकार आगे अगला वाला अगला क्वेश्चन छापो सभी साथी जल्दी से नेक्स्ट एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया है और पार्क आप सभी जानते हैं इस प्रकार से ये कहने का तात्पर्य आयता है इसका परिमाप दिया है मतलब ये लंबाई मान लो तीन एक्स थी और चौड़ाई मान लो वन एक्स थी इसका परिमाप दिया है परिमाप का मतलब होता है ये तीन एक्स है तो सामने भी तीन एक्स और ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आयत में अब क्या करना होगा समझो ये परिमाप का परिधि का मतलब परिमाप होता है मतलब सभी भुजाओं का योग तो यहाँ सभी भुजाओं का योग निकाल लो पहले तीन एक्स और तीन एक्स छ्स और दो एक्स कितना हो जाएगा छः दो आठ एक्स आठ एक्स का मान दिया है कितना तीन सौ बीस एक्स का मान लेके आ जाओ आठ से काटो आठ चुके बत्तीस एक्स बराबर आ जाएगा चालीस तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लंबाई तो हो जाएगी चालीस या एक सौ बीस और चौड़ाई हो जाएगा चालीस एक्स का मान लंबाई चौड़ाई है और तीन एक्स उसकी लंबाई है बस इतना समझो अब इसको थोड़ा अच्छे से इधर दूसरी साइड फिर से बना लेते हैं इसकी लंबाई एक सौ बीस है चौड़ाई कितनी है चालीस चौड़ाई इसकी चालीस आपको मिल चुकी है आगे यदि बात करें नेक्स्ट तो आपको समझना है इसके अंदर बोला गया भीतरी दीवार की ओर दो मीटर चौड़ा रास्ता है इस प्रकार यहां पर दो मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया दो मीटर रास्ते को बनाने का कुल खर्चा बताया डेढ़ रुपया प्रति वर्ग मीटर से पूछा है टोटल खर्चा तो रास्ते का क्षेत्रफल हमें लाना पड़ेगा ये इस रास्ते का क्षेत्रफल अपने को लाना पड़ेगा तो इसमें के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं पहले आपको क्या करना पड़ेगा बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल लाना है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई तो यहां पर बाहर वाले की लंबाई एक सौ बीस गुणा चौड़ाई चौड़ाई चालीस हो जाएगा इसमें से इस क्षेत्रफल में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दोगे तो ये रास्ते का क्षेत्रफल रह जाएगा तो यहां पर मैं आपको बता दू यहां पर अंदर वाले की लंबाई कितनी कम हो जाएगी बाहर वाले से तो इधर भी कम हो जाएगी कितनी दो मीटर कम इधर हो जाएगी दो मीटर कम इधर हो जाएगी लंबाई तो इस प्रकार जो लंबाई अंदर वाले की कम हो जाएगी चार मीटर हो जाएगी और 120 में से चार जाएगा तो 116 आ जाएगा 116 मीटर अंदर वाले की लंबाई है और इसी प्रकार चार मीटर चौड़ाई बाहर वाले से कम हो जाएगी अंदर वाले की तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा चालीस में से चार जाएगा तो यहां पर आ जाएगा छत्तीस अब सिंपली क्या करो आप यहां पर इनका गुणा कर लो ठीक है ना तो यहां पर गुणा करोगे तो आपके पास रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा यहां पर बार चुको अड़तालीस 48। और अड़तालीस डबल जीरो माइनस इधर आप एक सौ सोलह गुणा छत्तीस कर लें सभी साथी एक सौ सोलह गुणा छत्तीस करेंगे जल्दी से एक सौ सोलह गुणा छत्तीस जब करोगे तो इकतालीस छिहत्तर आएगा इकतालीस सौ यहां पर आपके पास निकलकर आएगा इकतालीस ठीक है इसको घटा लो आठ में से दस में से छ गया तो चार बचा नौ में से सात गया तो दो बचा ये सात हो जाएगा सात में से गया छः और ये चार मतलब छह सौ चौबीस ये रास्ते का क्षेत्रफल आया और बोला गया कि रास्ते पर यहां बोला गया डेढ़ रुपया प्रति वर्ग मीटर की लागत से इसे बनवाना है एक वर्ग मीटर का खर्चा दिया डेढ़ रुपया तो छो चो, वर्ग मीटर का कितना खर्चा होगा गुणा कर दो डेढ़ का बस यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पर पॉइंट हटाकर नीचे आ जाओ दो जीरो हट जाएगा ये जीरो से जीरो कट जाएगा पाँच त्री पंद्रह ये पाँच से दो बार में दस दो से कट करो दो तिया छः दो एकम दो दो दूनी चार तीन का गुणा तीन में करो तीन दूनी छः और तीन एकम तीन हो जाएगा यहाँ पर और तीन तिया नौ नौ सौ छत्तीस रुपया का खर्चा आएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा ठीक है ए जिन भी साथियों ने छापा सही जवाब है ये क्वेश्चन अभी कर चुके हैं दो योग दिया अंतर दिया पंद्रह तो इसे छोड़ के आगे आ जाओ नेक्स्ट जीके को छाप दो बहुत ही अति महत्वपूर्ण जीके लाया हूं आपके सामने काफी जानकारी आपकी क्लियर हो जाएगी प्यारे साथियों सेशन को दबाकर एक बार लाइक कर दे शेयर कर दे और साथियों को जोड़ ले जीके बहुत ही लाजवाब आपके सामने लेकर आया हूं वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी जीके प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे सही जवाब आपको कमेंट करना है थोड़ा स्पीड फास्ट भागूंगा मैं अब यहाँ से क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जा चुका है मैथ रीजनिंग को समझने में एक बार सभी साथी दबाकर सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें मुझे यहाँ पर आप तीस लाइव करके दिखा दें प्यारे साथियों मैं आपको बता दूँ काफ़ी जानकारी आपके लिए लाया हूँ लाइव करके दिखा देंगे आज सभी प्यारे साथी यहाँ पर प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे सही जवाब याद रखना उन्नीस सौ में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो जाएगा आगे यदि बात करें तो पहली बार उन्नीस में नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था अपने इंडिया के अंदर ठीक है तो इतनी जानकारी एशियाई खेलों से छाप लेना है और पहले एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य अगर एग्जाम में पूछ ले तो आपको बताना है प्ले द गेम इन गेम अति महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूं आपके लिए जो आप सोचा भी नहीं होगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आज आपको याद करवा दिए जाएंगे प्यारे साथियों तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से छापना है अगला क्वेश्चन आपके सामने है नो बॉल शब्द किससे संबंधित है खेल के क्वेश्चन है बेटा एग्जाम के अंदर खेल के क्वेश्चन जरूर आपकी एग्जाम में आएंगे मैं आपको बता दूं नो बॉल शब्द का संबंध किस खेल से हो जाएगा चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं पहला ऑप्शन ऑप्शन बॉल। नंबर दो क्रिकेट ऑप्शन नंबर तीन बॉस्केटबॉल ऑप्शन नंबर चार फुटबॉल तो सही जवाब याद रखना क्रिकेट क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाए दूसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा नो बॉल शब्द याद रखना क्रिकेट गेम से संबंधित हैं खेल की शब्दावली आपकी एग्जाम में आती है आगे और समझो क्रिकेट के और भी शब्द मेरे साथ रिवाइज कर लो परीक्षा में याद आएंगी आपको ठीक है ना डेड बॉल बाउंसर वाइड बॉल बाई कैरम बॉल और डक नो बॉल ये सब शब्द क्रिकेट में यूज़ किए जाते हैं अभी तो देखते जाओ वॉलीबॉल के भी याद कर लेंगे बॉलीबॉल में जो शब्द यूज़ किए जाते हैं एस अटेकर जोस्त पाइप रूफ शंक ट्रिपल एक बार सभी साथी बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे बॉस्केटबॉल जो शब्द यूज किए जाते हैं रिवीजन कर लो मेरे साथ ड्रिपल है ना एक्सीड फ्री थ्रो सेट शॉट चेस्ट पास ले अप डंग ये शब्द हैं अति महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं आगे समझो फुटबॉल फुटबॉल खेल के भी शब्द आप समझ लो इन बाइसिकल किक और बैक हील डमी रन पेनल्टी ऑफ विंगर्स ये सभी शब्द स्क्रीनशूट ले लो और चार चार बार पढ़ना यकीन मानिएगा एग्जाम में खेलों से संबंधित शब्द पूछता है कि किस खेल में कौन सा शब्द यूज किया जाता है पढ़ लें आप लोग और मुझे तीस प्लस लाइव दिखाएंगे सभी शहर बहादुर इतना आपको करना है यदि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो और दबा के लाइक शेयर कर दें अगला क्वेश्चन उड़ा दो गर्दा जल्दी से शोएब अख्तर को दिया गया उपनाम है छापलो खेल का अति महत्वपूर्ण शोएब अख्तर ये दिखाई दे रहे हैं इनका उपनाम किस नाम से इनको जाना जाता है तो शोएब अख्तर की यदि हम बात करें तो प्यारे साथियों रावल पिंडी एक्सप्रेस इनको कहा जाता है शोएब अख्तर को रावल पिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है अच्छा टर्न टर्वनेटर पहले ऑप्शन में दिया है तो ये हरभजन सिंह का नाम है ये भी छाप लेना दिमाग के अंदर आगे यदि बात करें फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जानते हैं तो माइकल फ्लेप्स को जाना जाता है ये जानकारी भी छाप लो आगे यदि बात करें बेटा डॉन किसे कहते हैं तो सर डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन इनका नाम छाप लो इनको डॉन के नाम से जाना जाता है तो ये उपनाम मैंने आपको छपवा दिए चार चार उपनाम एक बार पढ़ लो वेरी मोस्ट आई एम पी है आगे बात करते हैं अगला नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़े हैं चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो यहाँ पर आपको छाप लेना है मेरे साथ सारी जानकारी सही जवाब हो जाएगा भाला फेंक नीरज चोपड़ा तो आपने देखे ही होंगे नीरज चोपड़ा भाला फेंक से इनका संबंध है अच्छा इंपॉर्टेंट समझो आईएमपी क्वेश्चन है भाला फेंक के जितने भी खिलाड़ी हैं एक बार मेरे साथ रिवाइज करो ठीक है ना अन्नू रानी बोलो मेरे साथ शिवपाल सिंह देवेंद्र झाझरिया काशीनाथ नाइक सुंदर सिंह गुर्जर बिपिन कसाना बेटा ये सब भाला फेंक के खिलाड़ी है कभी एग्जाम में पूछ ले तो आपको रिवीजन करते रहना है अच्छा और ऑप्शन भी दिया है टेनिस के खिलाड़ी भी मेरे साथ रिवीजन करो ठीक है ना टेनिस के खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा लियेंडर पेस महेश भूपति रोहन बोपन्ना ब्रजनेश गुणेश्वरन और सुमित नागल यूकी भावरी उसके बाद अंकिता रेना मैं आपको बता दूं ज्यादा मत पढ़ो इतना ही पढ़ लो अगर एग्जाम में आए तो यकीन मानिएगा इससे बाहर नहीं आएगा आगे बात करते अगला कुश्ती कुश्ती के खिलाड़ी मेरे साथ आप सभी को रिवीजन कर लेना है बिनेश फोगाट का संबंध कुश्ती से साक्षी मलिक का संबंध कुश्ती से सुशील कुमार का संबंध कुश्ती से उसके बाद बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से दीपक पुनिया याद रखो योगेश्वर दत्त याद रखो गीता फोगाट याद रखो बिनेश फोगाट याद रखो इतने खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखना है और उसके बाद हेप्टाथलॉन गेम है इसके खिलाड़ी है ना स्वप्न वर्मन सोमा विश्वास जे जे शोभा प्रमीला अयप्पा सुष्मिता सिंहार रॉय उसके बाद पूर्णिमा हेब्रम ज्यादा मत पढ़ो इतना ही पढ़ लो बहुत हैं इनको दो चार बार रिवाइज करोगे है ना लिख लो भैया कॉपी के अंदर स्क्रीनशॉट ले लो बाद में लिख लेना है आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आप लोग वेरी मोस्ट आईएमपी समझकर सही जवाब कमेंट करेंगे एम एस धोनी को भारतीय सेना का कौन सा पद दिया गया है चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं एम एस धोनी को भारतीय सेना का कौन सा पद दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल कर्नल का या कप्तान का मेजर जनरल का तो भारतीय सेना के अंदर महेंद्र सिंह धोनी को याद रखना लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया है ये भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं आगे यदि बात करें अति महत्वपूर्ण जानकारी की एम एस धोनी महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला टेस्ट कब खेला था एग्जाम में पूछ ले तो याद रखना पहला टेस्ट है ना एक साल बाद श्रीलंका के खिलाफ खेला उसके बाद एम एस धोनी ने याद रखना अपना आखिरी टेस्ट मैच कब खेला था कभी एग्जाम में पूछ ले 2014 छाप लेना है और कहाँ खेला था तो ऑस्ट्रेलिया में खेला था आगे बात करते अगला महेंद्र सिंह धोनी ने कुल 90 टेस्ट मैच खेले और साढ़े तीन सौ वन डे मैच खेले अंठानवे टी ट्वेंटी मैच खेले आईएमपी लगाकर इतनी जानकारी छाप लेना वेरी मोस्ट आईएमपी हो जाएगी आगे बात करते हैं अगला अगला टाइम क्वेश्चन है सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है आप भी जानते होंगे कि जो दो देशों की सेनाएं होती हैं वो मिलिट्री एक्सरसाइज करती है एक्सरसाइज मतलब सैन्य अभ्यास मतलब एक एक्सरसाइज प्रयास प्रैक्टिस कह सकते हैं तो सूर्य किरण इस मिलिट्री एक्सरसाइज को नाम दिया जाता है सूर्य किरण बताइएगा किन दो देशों का मिलिट्री एक्सरसाइज हो जाएगा तो ये एक तो भारत का है और एक याद रखना नेपाल तो भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम का मिलिट्री एक्सरसाइज होती है एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट आईएमपी हो जाएगा आगे अति महत्वपूर्ण जानकारी छापो जो सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका पहला संस्करण पूछ ले 2011 में याद रखना रेवेंटे मिजोरम भारत में आयोजित किया गया था पहली बार यह मिलिट्री एक्सरसाइज आगे यदि बात करें तो आईएमपी क्वेश्चन छापो और जानकारी जो भारत अन्य देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है उनका नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास करता है इंडिया बांग्लादेश के साथ याद रखना भारत संप्रीति नाम का मिलिट्री एक्सरसाइज करता है यानी संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है उसके बाद कजाकिस्तान के साथ भी इंडिया प्रभुलाल डॉस्टिक ये मिलिट्री एक्सरसाइज करता है तो ये भी आपको रिवीजन कर लेना है आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन को आईएमपी लिखकर और सही जवाब कमेंट करना होगा वृद्धेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है आपको बताना है चार ऑप्शन आपको दिए गए महाराष्ट्र केरल तमिलनाडु मध्य प्रदेश तो प्यारे साथियों जो वृद्धेश्वर मंदिर आपको दिखाई दे रहा है ये तमिलनाडु में है इंडिया तमिलनाडु तमिलनाडु में है इतनी जानकारी छाप लेना वृद्धेश्वर मंदिर और वृद्धेश्वर मंदिर जिसे याद रखना राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और भगवान शिव को यह समर्पित है यह मंदिर और तंजावुर तमिलनाडु में यह स्थित है आपके लिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी आई पुस्तक भी एग्जाम में पूछी जाती है नाम पढ़ो इसका नील दर्पण और नील दर्पण पुस्तक इसने लिखी सही जवाब याद रखना दीन बंधु मित्र ऑप्शन नंबर दो इसका सही जवाब हो जाएगा दीन बंधु मित्र की ये पुस्तक है नील दर्पण आगे यदि बात करें तो याद रखना ये बंगाली नाटक है इस बुक के अंदर और याद रखना दीन बंधु मित्र इसके लेखक हो जाएंगे आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में लिखा इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है आप सबने पढ़ा होगा इट पर नाच तो यहां पर याद रखना जे जे थॉमसन जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और इम्पोर्टेंट खोजें समझो तत्व की है ना जैसे यहाँ प्रोटॉन की खोज अगर पूछ ले तो गोल्ड स्टीन बताना है न्यूट्रॉन की खोज आपको जेम्स चैडविक बताना है नाभिक की खोज अगर एग्जाम में पूछ ले किसने करी तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड बताना है और अणु की खोज एग्जाम में पूछ ले किसने की तो डेमोक्रेटिक्स बताना है इतनी जानकारी छाप लो आगे बात करें नेक्स्ट जानकारी अगला क्वेश्चन है आपके सामने इसरो का पूरा नाम इंडिया का आनबान शान इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम एग्जाम में आ सकता है इसरो का फॉर्म क्या हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएमपी लगाइएगा आईएमपी ठीक है ना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अच्छा इसरो से जो बताया जा रहा है छाप लो इसरो की स्थापना अगर एग्जाम में पूछ ले तो पंद्रह अगस्त उन्नीस इसरो के संस्थापक यदि आपसे पूछे तो विक्रम अम्बलाल सारा इन्होंने इसरो की स्थापना की थी इसरो का मुख्यालय अगर एग्जाम में पूछ ले बेंगलुरु बता के आना है और अगर एग्जाम में आए इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो डॉक्टर एस सोमनाथ इनका नाम छाप लो वेरी मोस्ट आईएमपी हो जाएगा आगे यदि बात करें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट आईएमपी अगला क्वेश्चन नारोपा कहाँ का वार्षिक उत्सव है स्टार लगा लेना वार्षिक उत्सव नारोपा आप देख पा रहे वार्षिक उत्सव है, है। कहाँ का है सही जवाब लद्दाख याद रखिएगा लद्दाख लद्दाख का यह एक उत्सव है जिसका नाम याद रखना नारोपा हो जाएगा नारोपा आगे बात करें इसे हिमालय के कुंभ के रूप में भी जाना जाता है एग्जाम के लिए पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा अच्छा नारोपा जो उत्सव है याद रखना तिब्बती कैलेंडर के अनुसार बारह वर्षों में होता है याद रखना हर बारह सालों में लद्दाख में इस उत्सव को मनाया जाता है अंतिम उत्सव अंतिम बार ये नारोपा उत्सव 2016 में मनाया गया था कभी एग्जाम में पूछ ले कि अंतिम बार नारोपा उत्सव कब मनाया 2016 छाप लेना है अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट और आईएमपी प्रहार क्या है चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें बताना है कि प्रहार क्या है एक युद्ध टैंक है सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है और एक विमान वाहक है या ऑप्शन नंबर चार एक पनडुब्बी है क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा प्यारे साथियों इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्रहार क्या हो जाएगी याद रखना मिसाइल है ये सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल का नाम है प्रहार प्रहार छाप लेना एक मिसाइल का नाम है यह देख पा रहे होंगे आप प्रहार आपको दिखाई दे रही है सता पर सता से सता पर मार करने वाली मिसाइल है प्रहार याद रखना इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डी के द्वारा विकसित किया गया प्रहार मिसाइल को अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने तेजस निम्नलिखित में से किसका नाम है चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं चार ऑप्शन में से तेजस क्या है यह आपको बताना है एक मुख्य युद्धक टैंक हो जाएगा परमाणु पनडुब्बी हो जाएगी हल्का लड़ाकू विमान हो जाएगा या विमान वाहक हो जाएगा तो याद रखना हल्का लड़ाकू विमान है है ना क्या नाम है इसका तेजस तेजस छापना हल्का लड़ाकू विमान हो जाएगा ये तेजस आप देख पा रहे हैं हल्का और लड़ाकू विमान है तेजस आगे बात करें यह सबसे छोटा और सबसे हल्का बहु पराध्वनिक लड़ाकू वायुयान है तेजस से इतना आपको छाप के रखना है अगली अति महत्वपूर्ण जानकारी वेरी आपको दिया है रक्ष, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अगर एग्जाम में पूछ ले सही जवाब वासला बताना चौथा ऑप्शन खड़ग वासला में है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी वेरी मोस्ट आईएमपी हो जाएगा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए पुणे महाराष्ट्र के पास महाराष्ट्र के पास है खड़गवासला यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आगे बात करते हैं वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी जो प्रशिक्षण संस्थान है और कहाँ पर हैं यह एग्जाम में एक आता है अगर एग्जाम में पूछ ले भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर है देहरादून बताना है अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी पूछ ले चेन्नई बताइएगा सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज अगर एग्जाम में पूछ ले पुणे बताना है और रक्षा सेवा स्टॉप कॉलेज अगर एग्जाम में पूछ ले वेलिंगटन तमिलनाडु बताइएगा अगला एग्जाम में पूछ ले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला महाराज जैसा कि क्वेश्चन में विदि थे आगे यदि बात करें भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ है एग्जाम में पूछ ले तो एजी माला केरल बताना है अगर एग्जाम में पूछ ले वायुसेना अकादमी कहाँ है तो आपको बताना है डूडीगल तेलंगाना वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी स्क्रीन लेकर दो चार बार पढ़िएगा वेरी मोस्ट आईएमपी हो जाएगा आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं हैदराबाद चेन्नई देहरादून नई दिल्ली सही आंसर याद रखिएगा देहरादून में हो जाएगी भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में हो जाएगी देहरादून छाप लेना इसका आरंभ याद रखना भारतीय सैन्य अकादमी का एक अक्टूबर 1932 सौ ईस्वी में हुआ था और ये याद रखना भारतीय सेना के जो अधिकारी होते हैं उनको प्रशिक्षण देने वाली अकादमी है भारतीय सैन्य अकादमी इतनी जानकारी आपको छापना है वेरी वेरी मोस्ट आई हो जाएंगी तो ये थे आज के वेरी मोस्ट आई एम पी पचास क्वेश्चन का लाजवाब सॉल्यूशन और प्यारे साथियों सेशन अगर अच्छा लगता है तो दबा के लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक सेशन को पहुंचाने में मदद करें और उसके बाद प्रतिदिन आठ बजे इस क्लास के साथ जुड़ा करें वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर गर्दा उड़ाओगे अगर एग्जाम तक इस क्लास के साथ जुड़ोगे रोज रोज नित नए नए क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेंगे तो मिलेंगे प्यारे साथियों नेक्स्ट सेशन में सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं और सेशन को